मरियम से हमने पूछा कि भाई अनस आ रहा था तो गार्ड्स ने क्यों नहीं पकड़ा उसको, तो मरियम ने कहा अनस गंदी गली से आता था इसलिए वहाँ पे गार्ड्स नहीं थे। आपकी क्या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन? नहीं लॉजिक नहीं, मतलब यही अनस कैसे पहुंचता था इतने मुर्तसिम के गार्ड से? एक तो मेरा ये था कि शायद उसने हैरी पॉटर की इनविजिबिलिटी क्लॉक रेंट की हुई हो। दी ओनली लॉजिकल थिंग इज के देखे मलिक जुबैर का ना एक मकसद है जिंदगी में इस वक्त, वो है मुर्तसिम से बदला। तो उसने बोला कि इज्जत के बदले इज्जत, तो अ मैन हु इज दैट शार्प, अ मैन हु इज दैट एग्रेसिव, राइट? और उसने खुले धमकी दी हुई है, वो एक कॉलेज के बारे भी सीन है कि बदला तो तेरे से मिलूंगा। सो आई जस्ट फील है कि इतने जब जानी दुश्मन है तो ही वुड हैव स्काउटेड एवरीथिंग, बिकॉज ऐसे तो नहीं है ना कि जज्बाती है वो, अगेन वो तेरे बिन के टाइम तक था ना, फिर तेरे बिन आया और तेरे बिन के टाइम पे फिर जब मैंने हिम्मत की उसी टाइम पे मुझे सरेरा भी ऑफर हो गया, तो फिर मुझे अब दोबारा मोटिवेशन मिली कि यार अगर मैं इफ आई वाज लाइक व्हेन आई लुक्ड द वर्स्ट फिजिकली आई हैव एवर लुक्ड एज एन एक्टर, दिस वाज तेरे बिन। मुझे लगता है कि आई वाज वेरी अनफिट, तेरे बिन एंड सरेरा दो चीज़ें मुझे पिछले 1.5 साल में मिली हैं, दोनों सुपर हिट माशाल्लाह से। तो मुझे हुआ कि अल्लाह ताला अगर इतने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दे रहे हैं तो मैं मेहनत क्यों नहीं करूं? तो फिर मैंने अपने अंदर ना तेरे बिन वाले टाइम पे, सरेरा वाले टाइम पे और उसके साथ साथ जो मैं बाकी काम करूं उस टाइम पे मैं हुआ कि आई नीड टू बी मोर प्रोफेशनल, इट्स नॉट फॉर एनीवन, इट्स फॉर माई सेल्फ। वही बात है ना रियलाइजेशन, मुझे ये हुआ कि यार मेरे इतने बड़े बड़े ख्वाब, लोगों का होता है ना मुझे ये बनना है मुझे वो बनना है, आई वॉन्ट टू बी इंशाल्लाह 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 बिगर देन फवाद खान इंशाल्लाह। अल्लाह ताला अगर मेरे नसीब में लिखा हुआ तो होगा, नहीं लिखा बट मुझे एक बात है, फवाद खान अगर इतने आराम से बन जाता हर कोई नहीं बनता, कितनी मेहनत की बात है, जर्नी है एक। मैंने वही सोचा ना कि यार अगर मैं इतनी मेहनत ही नहीं कर रहा फिर व्हाट राइट डू आई हैव कि यार मेहनत तो करो, मेहनत तो करो, बी प्रोफेशनल, बी एज हार्ड वर्किंग एज पॉसिबल, बी द हार्डेस्ट वर्किंग इन द रूम एंड सी वेयर थिंग्स टेक यू। सो आई एम अप्लाइंग दैट थ्योरी नाउ इन माई लाइफ एंड I don't know what the future holds, but it's working right now. Okay, चले नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह के लिए आपके लिए बहुत दरवाजे खोले हैं और आपको बहुत कामयाबी मिले, खैर आपकी तो सेहत के साथ। आपने एक मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी लगी कि आपने बोला लोगों को कि ये बात याद रखें कि सारी कायनात का निज़ाम या जो सब कुछ करने वाला है वो अल्लाह है, मांगना है तो अल्लाह से मांगे किसी और से नहीं। ये कुछ हुआ वाकया जिसने स्पेसिफिकली आपको ये बोला बता तो रहा हूं, अदर देन दीज या और फिर क्या चाहिए? या फिर शुरू से आपको ये था? शुरू से असल में मेरा शुरू से मसला ये कि मेरे से वो नहीं होता कि हा 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 अरे सर क्या बात है आपकी, मेरा बचपन से ये मसला, मैं नहीं कर सकता था, मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, आप कोई भी है मैं आपसे तमीज़ से बात करूँगा, आप मुझे एटीट्यूड दिखाएंगे आप कुछ भी हो मैं आपसे मुड़ के बात नहीं करूँगा, एटीट्यूड अगर मैं आपको नहीं दिखा रहा तो आप मुझे एटीट्यूड नहीं बताएंगे। और दूसरा कोई बात है देखें, कोई दूर दराज तक इस इंडस्ट्री में नहीं, आज तक कितना काम मिला है, सब खुद ब खुद मिला है, राइट? और फिर वो है ना कि अब मैंने जो एक चीज़ करना शुरू किया है कि सिंप्लीफाई करना शुरू किया, राइट? What do you mean by that? बड़ी महक, हमने एक सब ने एक बात सुनी हुई है बचपन से, ए इब्ने आदम एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है, खुद को कर दिया तूने सुपर्द उस पे जो मेरी चाहत है, तो दे दूंगा तुझको मैं वो भी जो तेरी चाहत है, ना माना तूने अगर उसको जो मेरी चाहत है तो थका दूंगा तुझको उसमें जो तेरी चाहत है। सो मैंने ये बात देखी, मैंने इतने लोग देखे इंडस्ट्री के, वो हर मतलब इवेंट पे जाते हैं, हर पार्टी में जाते हैं, लोगों में उठते कहीं कोई काम नहीं कर। तो मेरे ये जितने भी अब वही बात ना कि ये सिर्फ इंडस्ट्री का निज़ाम नहीं है, हर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप जाते हैं, क्योंकि आई एम कम फ्रॉम अ बिजनेस स्कूल, मेरे ऑल माई पीयर्स देर लाइक इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी है, सब ने अपनी एक एक वो लॉबी बनाई हुई है, उनमें जाते हैं और यू हैव टू बी लाइक खुशामद करना ये वो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों के साथ रूड हो, लेकिन तमीज़ से तो आपने बात करनी है ना, बिकॉज अल्लाह ताला हैज़ टॉट यू, यू आर अल्लाह मैसेंजर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रीच दिस, देयर इज़ अ हदीस वेर ही सेज़ ही आस्क्ड द सहाबा डू यू नो हु द बेस्ट अमंगस्ट यू इज़, समवन सेज़ के एक सहाबी कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा नमाज पढ़ता है, जो पूरी रात कुरान पढ़ता है, एक सहाबी कहते हैं, एक सहाबी कहते हैं जो हर वक्त रोज़े रखता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड नो, द बेस्ट अमंगस्ट यू इज़ द वन जिसकी ज़बान से जिसके हाथ से ऑल फेलो मुस्लिम्स आर सेफ। तो मेरा वो आई फील लाइक मेरा ये मसला था कि इंसान तो मैं हमेशा से अच्छा था, बट मैं थोड़ा ना वो था कि मैं बस गुस्सा कर जाता, तो उस चीज़ को मैंने कहा नहीं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी काइंड टू पीपल, इट इज़ वेरी, बिकॉज व्हेन आई वाज एट माय लोएस्ट पॉइंट ना देयर वाज नो वन फॉर मी, दो तीन मेरे दोस्त थे जिनका मैं अल्लाह ताला इतना शुक्र अदा करता हूँ, उनका मैं नाम लूँगा, देयर इज़ फरियाल, बहुत हेल्प किया फरियाल ने मेरी, देयर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड इन कराची एंड ओवरऑल भी मेरा बहुत करीबी दोस्त नजमी, उसने मेरी बहुत हेल्प किया, अनदर फ्रेंड ऑफ माई मानूर, इन तीन लोगों ने जितनी मेरी हेल्प की है सपोर्ट किया ना, आई विल आल्सो मेंशन मोमापी बिकॉज अगेन वी हैड अवर रफ पैचेस, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, कोई भी कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता। सही बात है। तो जब मैं इतना मजबूर था, मैं बेबस था कि मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे, जब मेरे पास
सिगरेट लेने के पैसे नहीं है, ना मेरे पास दूध देने के पैसे नहीं है, इन लोगों ने मेरा साथ दिया। ये भी रिसेंटली दोबारा, ये पिछले डेढ़ साल की मैं बात करूँ, बिफोर तेरे महीने। और आप ये तब बात करें जब आपने अच्छा खासा साल गुजार लिए, काम मिल रहा है, लेकिन फिर भी एक डाउन पीरियड। वही जो स्ट्रगल हुई है ना, वो ये स्ट्रगल थी कि ये कोविड के बाद से वो मुश्किल होना शुरू किया था, और ये तेरे बिन और सरेरा से वाला टाइम 2022 टिल लाइक 2021 के एंड से लेके 2023 के ये स्टार्ट तक लाइक टाइम है। और वही है ना कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि देयर वर पीपल हु हेल्प मी राइट, क्योंकि मैं घर का लाडला था। माई फैमिली डजंट नो द थिंग्स आई गो थ्रू बिकॉज वो आगे खिलाफ है और बोलेंगे क्या मसला गया तुम्हारा। बट अगेन बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने मेरी मदद की।